हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन अप टू क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ चैप्टर 11 परसेंटेज। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इट मोटिवेट्स मी। ओके, सो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा यही उद्देश्य है कि हर उन बच्चे के पास पहुंचे जो अभी ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं और COVID-19 के कारण जो भी ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग देख रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एक आयत क्षेत्र की लंबाई को 15% बढ़ाया गया और चौड़ाई 15% कम कर दिया किया गया, तो आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, हिसाब करके बताएं। ओके, तो आयत क्षेत्र की लंबाई को 15% बढ़ाया गया। हमें आयत का लंबाई और चौड़ाई दैट इज लेंथ और ब्रेथ में पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे तब x मान के करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा है कि 15% बढ़ रहा है और चौड़ाई जो है वो 15% घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो हम लोग पहले लिखते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज y। ओके, सो लेट लेंथ ऑफ rectangle equal to x unit because हमें पता नहीं है और breadth of rectangle equal to y unit। okay, so जब length और breadth हो गया तो area हम लिख लेते हैं। so area of rectangle equal to x into y that is length into breadth। सो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि लेंथ में रेक्टेंगल का लेंथ में 15% बढ़ गया है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि व्हेन लेंथ ऑफ rectangle increase 15% then length of rectangle equal to क्या होगा। अब length पहले मेरा length x है। ठीक है, तो x में ही तो 15% बढ़ेगा। so x का 15% so x का that is into 15% 15/100। ठीक है, सो x प्लस 15x/100। ठीक है, तो अब इस x से देखो आप लोग कट रहा है यहाँ पे 3 5 15 एंड 25 100। ठीक है, सो यहाँ कितना हो गया x प्लस 3/20 दैट इज 20x+3x, यहाँ x है 3x/20 दैट इज 23x/20। ओके, 23x/20 ये हो गया मेरा लेंथ। अब इसी तरह हम ब्रेथ निकालेंगे तो लिखेंगे ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल rectangle after 15% decrease। ठीक है, 15% decrease करने के बाद मेरा rectangle का breadth यानी चौड़ाई कितना होता है ये हम पहले निकालेंगे। तो पहले breadth मेरा कितना है आप लोग देखो, यहाँ मैंने लिखा है y unit। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे y का ही 15% यहाँ ये होगा decrease होगा। so y plus y का 15%, सो y इंटू 15/100।
ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ भी सॉरी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे, डिक्रीज मीन्स घट रहा है तो माइनस होगा। सो y माइनस y इंटू 15/100, सो फिर से 15 से हम इसे काटेंगे, 3 5s and 2 5s, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ y माइनस 3y/20, ओके। फिर 20 यहाँ एलसीएम, तो यहाँ 20y माइनस 3y, दैट इज 17y/20 आया, ओके। तो ये मेरा ब्रीथ हो गया नया रेक्टेंगल का, जब 15% बढ़ा और 15% इसका चौड़ाई कम हुआ तो ये लेंथ निकला और ये ब्रीथ निकला, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका, जब लेंथ और ब्रीथ निकल गया तो हम इसका एरिया निकालेंगे, ये यूनिट यूनिट है, ठीक है। तो अब हम एरिया लिखते हैं। सो यहाँ अब नया लेंथ मेरा हो गया है 23x/20 एंड ब्रीथ हो गया 17y/20 यूनिट, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ एल इनटू बी, दैट इज 23x/20 × 17y/20 यूनिट, ठीक है। ये हो गया मेरा लेंथ और ब्रीथ एरिया हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एरिया हो जाएगा 391x/XY/400 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट बिकॉज एरिया है। सो 391xy/400 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा न्यू रेक्टेंगल का एरिया है जब इसे हम 20% बढ़ाए हैं, 15% और 15% घटाए हैं, तब का एरिया है, ठीक है। सो अब मेरा एरिया में डिक्रीज कितना हो रहा है ये हम निकालेंगे। सो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन एरिया इक्वल टू, जो मेरा नया एरिया, ये नया एरिया है, अब पुराने वाला एरिया यानी कि जो ओरिजिनल एरिया है दैट इज एक्स वाई से हम इसको माइनस करेंगे। सो एक्स वाई माइनस 391xy/400 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 400 से एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ 400xy-391xy स्क्वायर यूनिट, ओके। सो यहाँ कितना हो गया 9xy/400 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा एरिया डिक्रीज किया इतना हो गया 9xy/400 स्क्वायर यूनिट एरिया डिक्रीज हुआ। तो अब यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, आयत क्षेत्र में कितना परसेंट बढ़ा या घटा, तो मेरा घट रहा है तो हम यहाँ परसेंटेज निकालने को बोला जा रहा है तो हम अब परसेंट निकालेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ, मैं यहाँ बना दे रही हूँ, डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज लिख रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया इक्वल टू ये जो मेरा घटा हुआ एरिया है दैट इज 9x1/400, ओके, इनटू xy जो मेरा ओरिजिनल एरिया है, घटा हुआ एरिया से ओरिजिनल एरिया को बाय नीचे रहता है, इनटू 100 करते हैं, परसेंट है, सो इनटू 100, ठीक है। सो xy से xy कैंसिल और ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 9/4, ओके, 9/4% दैट इज 2 whole 1/4%, ये मेरा एरिया डिक्रीज हुआ। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 2 whole 1/4%,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय टू होल 1/4% आंसर। ठीक है, ये यहां से यहां तक है, यहां इंटू 100% है। ठीक है, तो 9/4 आया।